गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हुसैन सर, स्वागत करता हूँ आप सभी का फेसबुक यूट्यूब कंप्यूटर लाइव ट्रेनिंग क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हुसैन सर डेली बेसिस पे आप सभी के लिए कंप्यूटर क्लासेस लेकर उपस्थित हूँ और इस लॉकडाउन में फ्री कंप्यूटर क्लासेस मैं देते आ रहा हूँ। तो आज की जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, टेबल्स के अंदर लेआउट के माध्यम से आज हम टेक्स्ट डायरेक्शंस के विषय में सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें कि एमएस वर्ड को आप ओपन कर लें। जैसे ही आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी आपको। उसके बाद आप क्या करें, पेज सेटअप कर ले। हम लैंडस्केप पेज ले रहे हैं, पेज लोग लैंडस्केप कर लिए। करने के बाद आप एक टेबल्स बना लें। टेबल्स जो बनेगी वो 5x4x5 की टेबल्स आप बना लें। बन गई। बनने के बाद हम इसका एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, एक और कॉलम्स ले रहे हैं हम लोग लेआउट के माध्यम से लेफ्ट में। और इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्च करते रहे। और ये जितने भी है उनको भी हम मार्च करते रहे, ये जितने भी है इसके भी हम मार्च करते रहे। और यहाँ से हम इंटरप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेस कर रहे हैं। और इंटरप्रेस करने के बाद ये जितने भी है इनको भी हम सेलेक्ट करके मार्च कर रहे हैं। ये आपकी एक फॉर्मेट तैयार होगी। इस फॉर्मेट में मैंने कल बताया था कि यहाँ पे हम सीरियल नंबर नंबर हम दे रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको ड्रॉप कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट दे दीजिए और यहाँ पे हम लोग मार्क्स की बात कर रहे थे, हम लोग मार्क्स हम दे रहे हैं, मार्क्स की बात हुई थी। उसके बाद थ्योरी प्रैक्टिकल्स की बात हुई थी, प्रैक्टिकल्स मैंने दे दिया। यहाँ पे टोटल्स की बात हुई, टोटल। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को हम लोग मिडिल पे कर दे रहे हैं। तो आपको मैंने कल बताया था मिडिल कैसे करना है, मैंने ये सारी चीज को सिलेक्ट करके आपको सेम टू सेम कल की क्लास में इतनी बताई गई थी। आज हम जो बताने वाले हैं वो टेक्स्ट डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शंस को कैसे हम लोग सेट करेंगे। मान लीजिए ये जो हमारी फॉर्मेट बन रही है वो सेमेस्टर वन की बन रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर लिख रहे हैं, सेमेस्टर वन। ठीक है, सेमेस्टर वन जो बनी है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन से, इस टेक्स्ट डायरेक्शन से क्लिक करें और आप टेक्स्ट डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग ये टेक्स्ट डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में रख दिए हैं। उसके बाद हम इनका क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसको बोला एलाइन सेंटर। इस सेंटर में आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि सेमेस्टर जो हमारा लिखा हुआ था वो टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मोड में हो चुकी है और एक कॉलम्स के अंदर हमारी सेट हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट हमारी बनी है, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप क्या करें, सेलेक्ट कर ले पूरा। उसके बाद लेआउट में आप आइए। अगर लेआउट से अगर आप नहीं देंगे तो सबसे अच्छा है डिजाइन में आप चले जाइए। डिजाइन के अंदर शेडिंग कलर होगी, आप यहाँ से शेडिंग कलर आप दे सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने ये जो फॉर्मेट तैयार किया है उसके ऊपर आप शेडिंग देकर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा बोल्ड करके ये टेक्स्ट का हम लोग कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये आपकी फॉर्मेट तैयार होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शंस को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम डीसीए यहाँ पे लिखे हैं और डीसीए की साइज अगर हम बड़े कर दें, थोड़ी सी साइज बड़े करने के बाद अगर इसको मिडिल में करना हो तो हमें क्या करना है, लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट को, अलाइनमेंट सेंटर को क्लिक करेंगे तो ये डीसीए की आपकी होगी। डीसीए का फुल फॉर्म आप सभी को जानते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेशंस। ये हमारी डीसीए का फुल फॉर्म, आप यहाँ पे इंटरप्रेस करके इसको मिडिल पे कर सकते हैं, ये हमारी हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह का डेली बेसिस पे क्लास आपको देते आ रहा हूँ पूरे लॉकडाउन में और इसी तरह की क्लास आपको प्रतिदिन मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती जाएगी। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।